वो लोग जो ये लाइफ स्टाइल में एंटर कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे चिंता का विषय यही होता है कि वो लाइफ स्टाइल में एंटर कर तो चुके हैं लेकिन वो जेन्युइन कपल तक कैसे पहुंचे या उन्हें वो कैसे ढूंढे, जिनके लिए वो कई बार सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि जब भी वो इस कोशिश में लगते हैं कि हमें रियल कपल को ढूंढना है, मीटिंग करनी है, तो फेक लोग ही उनके सामने आते हैं, उनसे टकराते हैं और ये काफी निराशाजनक एक्सपीरियंस होता है उनके लिए, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट के साथ वो लाइफस्टाइल में घुसते हैं, एंटर करते हैं और जब फेक लोग उनको टकराते हैं तो उनका जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो धीरे 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 डाउन होने लगता है। यार पहले मैंने खुद का माइंड सेट किया, वाइफ को मनाया और अब हमें इस तरह के लोग टकर रहे हैं, कैसे आगे चलेगा, कैसे होगा आगे। तो ये जो वीडियो है मेरा ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप लाइफस्टाइल में एंट्री करने के बाद जेन्युइन कपल तक कैसे पहुंचे या वो आप तक कैसे पहुंचे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो डियर सबसे पहले तो आप इसी चीज को समझिए कि रियल कपल कभी भी किसी को नहीं ढूंढता बल्कि लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं, और आप जैसे लाखों लोग हैं जो कि रियल कपल को ही ढूंढ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उन तक नहीं पहुंच पाते। अब मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आपके लिए रियल कपल तक पहुंचना आसान हो जाएगा, या ये कह लो कि उनके लिए आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल पिक के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी प्रोफाइल पिक ऐसी होनी चाहिए कि जब उसे कोई देखे तो विजिट किए बिना रह ना पाए, वो खुद से आपको अप्रोच करने के लिए मजबूर हो जाए। और यकीन मानिए जो रियल कपल होगा ना उसी में इतना गुता होगा कि वो आपको अप्रोच कर सके, जो फेक होगा वो आपकी प्रोफाइल देखकर ही उसकी फट जाएगी, वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही रियल कपल हैं तो प्रोफाइल पिक पे आप दोनों के ही पिक्चर्स होनी चाहिए, भले ही आपने फेस हाइड कर रखा हो लेकिन आपकी ही पिक्चर होनी चाहिए। हाथ में अगर आपने पर्ची पकड़ी हुई है तो और सोने पे सुहागा, जिसपे लिखा हुआ हो आपकी नाम, आपका एज, कहाँ से बिलोंग करते हैं और साथ में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि यू आर इंटरेस्टेड इन स्वैपिंग, शेयरिंग और जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज है, अगर आपने वो मेंशन की हुई है तो सामने वाले को और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस लाइफस्टाइल फन को एंजॉय करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से काफी अनकहे सवालों के जवाब उन्हें आपकी पिक्चर्स, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर ही मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब आप प्रोफाइल पिक अपने लगाते हैं तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड पिक होता है वो भी काफी मैटर करता है कि उसमें आपने क्या पहना हुआ है, क्या चीज हाथ में पकड़ी हुई है, किस तरह का पीछे का बैकग्राउंड पिक आपने लगाया हुआ है। इससे आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन सामने वाले को पता लगती है, फिर उसी तरह के, उसी लेवल के, उसी माइंडसेट के लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं। अब देखिए अगर मैं इकोनॉमिकल कंडीशन की बात कर रही हूं तो दिल पे मत लीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट रखने की जरूरत है, क्योंकि शादी और स्वैपिंग दोनों चीज ही ऐसी हैं कि सेम हैसियत और सेम माइंडसेट वाले लोगों के बीच में हो तभी सक्सेसफुल हो पाती हैं। कड़वा है लेकिन सच है। अब आप खुद ही सोचिए ना कि वो कपल जो कि 5-स्टार होटल में फन करने के आदी है, क्या वो मिडिल क्लास कपल के साथ एंजॉय कर पाएंगे? और सेम चीज अगर कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, भले वो रियल कपल क्यों ना हो, क्या वो कंफर्ट फील करेगा किसी बिजनेस क्लास के साथ? सपना देख सकता है वो कि हाँ मैं उनके साथ एंजॉय करूं, फन करूं? वो तो डर ही जाएगा ना कि यार मैं अगर कैजुअल मीटिंग के लिए भी जाऊंगा तो मेरे 5 से 10,000 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। भले ही चाहे रियल कपल 5-स्टार वाला हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, जहां हैसियत और पैसे की बात आती है तो कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, रियल होने के बावजूद भी बात नहीं बन पाती आगे। अब दूसरी ट्रिक, कवर पिक पे आप दोनों की ही, हस्बैंड वाइफ आप दोनों की ही पिक्चर लगी होनी जरूरी है। ज्यादा लोग क्या करते हैं कि कवर पिक पे पहाड़, बादल, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, इनकी पिक्चर्स लगा देते हैं और इस कवर पिक से आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रियल होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो अगर आप अपने प्रोफाइल को ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि कवर फोटो और प्रोफाइल पिक दोनों पर ही आप दोनों की फोटो लगी हुई हो, भले आपने फेस हाइड किया हुआ हो। अब तीसरी ट्रिक, बायो। ज्यादातर लोग बायो में कुछ लिखते नहीं है, बहुत जरूरी है कि बायो में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, जिसमें आपका नाम, एज, कहां से बिलोंग करते हो और अपना रिलेशनशिप स्टेटस तो जरूर मेंशन करें।
साथ ही साथ आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन करते हैं तो और सोने पे सुहागा हो जाता है कि आपको स्वैपिंग पसंद है, शेयरिंग पसंद है, एमएमएफ या एफएफएम में इंटरेस्टेड है। अपने शौक भी वहां पे लिख सकते हैं कि ड्रिंक करना पसंद है और किस टाइम पे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लाइक डे में या नाइट में। अगर आप स्वैपिंग या शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो डे आप प्रेफर करेंगे या नाइट, तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें आप जरूर मेंशन कीजिए, इससे आपका जो प्रोफाइल है वो रियल और ऑथेंटिक लगेगा। और इससे आपको एक फायदा और होगा कि वो लोग जो कि आपको अप्रोच करते हैं और करने के बाद चैट पे आकर आपसे सारी चीजें पूछते हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या है, तो वो चीजें उनको ऑलरेडी बायो में मिल जाएंगी, जहां वो पढ़ के अपना माइंड को सेट कर लेंगे कि इस कपल को मुझे अप्रोच करना भी है या नहीं। ये जो बायो में आप सारी चीजें मेंशन करोगे एक तरह से फिल्टर का काम करेगा और आप तक वही लोग पहुंचेंगे जो आपको सूट करते होंगे, जो आपके माइंडसेट के होंगे, आपके इकोनॉमिकल स्टेटस से मतलब आसपास होंगे, वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, आपके साथ कंफर्ट फील कर पाएंगे, तो वही फिल्टर होकर, छटनी होकर आप तक पहुंचेंगे और वो रियल कपल होंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी कोई कपल आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तो वो आपके फ्रेंड लिस्ट पर एक बार जरूर नजर मारेगा। तो फ्रेंड्स के नाम पे कोई भी भेड़ बकरी कुछ भी मत भरो, कुछ चुनिंदा लोग ही अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करो। अगर वो कपल आपकी प्रोफाइल को देख रहा है और उसे दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो स्विंगर भी, सिंगल भी और मसाजर भी, पेड कपल भी, सबकी भरमार है, तो वो आपको अप्रोच नहीं करेगा। फिर आपकी प्रोफाइल चाहे जितनी भी रियल लग रही हो, उसके मन में फिर से एक शंका का कीड़ा पैदा हो जाएगा कि पता नहीं ये रियल है या फेक है। पेड सर्विसेज भी लेते हैं, मसाजर्स भी हायर कर रखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, तो कुछ भी उठा के मत भरो। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये कि आपका अकाउंट एक्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बनाकर और भूल गए, क्योंकि कोई भी अगर आपको अप्रोच करेगा वो देखेगा ना कि एक्टिव भी है या नहीं। और वो कैसे पता लगेगा, जब आपकी कॉन्टिन्यू पोस्ट उसमें जाएंगी, मतलब डेली बेसिस पे आप एक या दो पोस्ट तो डाल ही सकते हो, ये चलो वीक में आपने दो चार पोस्ट डाल दी ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ जिंदा है, ये मरा नहीं है, कपल है अभी। आप चाहो तो फेस हाइड करके लाइव भी आ सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको किस तरह से कंफर्ट फील होता है। तो ये जो सारी ट्रिक्स है आप इन्हें फॉलो करो, अपने प्रोफाइल पे काम करो, अपने प्रोफाइल को यूनिक बनाओ, लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपके प्रोफाइल में वो बात होनी चाहिए। इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करो, आपको रियल कपल जरूर मिलेंगे, मिलते हैं लोगों को, मिलते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं, तरीका है ना, तो इस तरीके को फॉलो करो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी तरफ से भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपके बताए हुए टॉपिक पर भी काम करूंगी, रिसर्च करूंगी और वीडियो अपलोड करूंगी। सो थैंक यू सो मच।